नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कामाख्या मंदिर का एक गुप्त रहस्य। इस रहस्य को जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपको यह रहस्य बहुत ही रोचक लगेगा। दोस्तों, यह रहस्य जानने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, 52 शक्ति पीठों में से एक कामाख्या शक्तिपीठ बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी है। कामाख्या देवी का मंदिर अघोरियों और तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित यह शक्तिपीठ नीलांचल पर्वत से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। कामाख्या मंदिर सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है। इस मंदिर में देवी दुर्गा या अंबे की कोई मूर्ति या चित्र आपको दिखाई नहीं देगा, बल्कि मंदिर में एक कुंड बना है जो कि हमेशा फूलों से ढका रहता है। इस कुंड से हमेशा ही जल निकलता रहता है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है और योनि भाग के यहाँ होने से माता यहाँ रजसलवा भी होती है। इसका मतलब यह है कि जिस तरह नारी को मासिक धर्म होता है, उसी प्रकार यहाँ पर माता को भी मासिक धर्म होता है। मंदिर से अन्य और रोचक जुड़ी बातें जानते हैं। मंदिर धर्म पुराणों के अनुसार माना जाता है कि इस शक्तिपीठ का नाम एक कामाख्या पड़ा, क्योंकि इस जगह भगवान शिव का मां सती के प्रति मोह भंग करने के लिए विष्णु भगवान ने अपने चक्कर से माता सती के 51 बाग किए थे। जहां पर यह बाग गिरे, वहां पर माता का एक शक्तिपीठ बन गया और आज इस जगह माता की योनि गिरी थी, जो कि आज बहुत ही शक्तिशाली पीठ है। यहाँ वैसे तो साल भर ही भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन दुर्गा पूजा, पोहान बिया, दुर्गा देओल, वसंती पूजा, मदान देओल, अंबुवासी और मनांसा पूजा पर इस मंदिर का अलग ही महत्व होता है, जिसके कारण इन दिनों में लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं। हर साल यहाँ अंबुबाची मेला के दौरान पास में ही स्थित ब्रह्मपुत्र का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। पानी का यह लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। फिर 3 दिन बाद दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ती है। आपको बता दूं कि मंदिर में भक्तों को बहुत ही अजीबोगरीब प्रसाद दिया जाता है। दूसरे शक्तिपीठों की अपेक्षा कामाख्या मंदिर में प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि जब माँ को 3 दिन तक मासिक धर्म होता है तो सफ़ेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं, तब वह वस्त्र माता के रथ से लाल रंग से भीगा होता है। इस कपड़ों को अंबुवाची कपड़े कहते हैं। इसे ही भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ कन्या पूजन व भंडारा कराया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर पशुओं की बलि दी जाती है, लेकिन यहाँ मादा जानवरों की बलि नहीं दी जाती। काली और त्रिपुर सुंदरी देवी के बाद कामाख्या माता तांत्रिकों की सबसे महत्वपूर्ण देवी है। कामाख्या देवी की पूजा भगवान शिव के नववधू के रूप में की जाती है, जो कि मुक्ति को स्वीकार करती है और सभी इच्छाएं पूरी करती है। मंदिर परिसर में जो भी भक्त अपनी मुराद लेकर आता है, उसकी हर मुराद पूरी होती है। इस मंदिर के साथ लगे एक मंदिर में आपको माँ का मूर्ति विराजित मिलेगी, जिसे कामादेव मंदिर कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में भी समर्थ होते हैं, हालांकि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल काफ़ी सोच विचार कर करते हैं। कामाख्या के तांत्रिक और साधु चमत्कार करने में सक्षम होते हैं। कई लोग विवाह, बच्चे, धन और दूसरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या की तीर्थ यात्रा करते हैं। कामाख्या मंदिर 3 हिस्सों में बना हुआ है। पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, इसमें हर व्यक्ति को नहीं जाने दिया जाता। वही दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहां एक पत्थर से हर वक्त पानी निकलता रहता है। माना जाता है कि महीने में 3 दिन माता को मासिक धर्म होता है, तो इन 3 दिनों तक मंदिर के द्वार बंद रहते हैं। 3 दिन बाद द्वारा बड़े ही
धूमधाम से मंदिर के द्वार खोले जाते हैं। इस जगह को तंत्र साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह माना जाता है, जहाँ पर साधु और अघोरियों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर अधिक मंत्र में काला जादू किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति काला जादू से ग्रसित है तो वह यहाँ आकर इस समस्या से निजात पा सकता है। कामाख्या मंदिर के पास ही उमानंद भैरव का मंदिर है। उमानंद भैरव ही इस शक्तिपीठ के भैरव है। इनके दर्शन के बिना कामाख्या देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। कामाख्या मंदिर में अम्बुवाची के समय कुछ विशेष सावधानी रखनी होती है। कामाख्या मंदिर में इस समय नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, जमीन या मिट्टी को खोदना नहीं चाहिए और ना ही कोई बीज बोना चाहिए। इन दिनों में यहाँ शंख और घंटी नहीं बजते। भक्त अन्न और जमीन के नीचे उगने वाली सब्जी और फलों का त्याग करते हैं। ब्रह्मचार्य का पालन करना बहुत जरूरी है। जितना ज़्यादा हो सकता है अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। कामाख्या मंदिर में आप कैसे पहुंच सकते हैं? कामाख्या मंदिर असम की राजधानी गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर नीलांचन पर्वत पर स्थित है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। आप आसानी से रेल मार्ग या वायु से माता के मंदिर से पहुंच सकते हैं। कामाख्या देवी को बहते रक्त की देवी भी कहा जाता है। कहते हैं कि प्रतिवर्ष जून के महीने में माँ कामाख्या ऋतुमती होती है। यह वह समय है जब 3 दिन के लिए देवी अपने मासिक धर्म के वार्षिक चक्र से गुजरती है। जैसे ही माँ अपने मासिक धर्म में प्रवेश करती है, एक अद्भुत दैवी घटना देखने को मिलती है। मंदिर के गर्भगृह के कपाट अपने आप ही बंद हो जाते हैं। 3 दिन तक कपाट बंद ही रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। भक्तों का तांता माता के दर्शनों के लिए लगा होता है। यह विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां पर मासिक धर्म आने पर पूजा की जाती है। तो दोस्तों, ये थी माँ कामाख्या मंदिर से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। माता के हर भक्त को माँ के दर्शन जरूर करने चाहिए। करुणामयी माँ आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय कामाख्या माता। धन्यवाद।